हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। वो 2016 में रिलीज़ हुई हॉरर थ्रिलर मूवी डोंट ब्रीथ, जिसमें हॉरर और थ्रिलर कूट कूट के भरा है। इसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 स्कोर मिले हैं और रोटन टोमेटो 88%। इसके अलावा गूगल यूजर्स में 91% लोगों ने इसे लाइक भी किया है। इस कहानी के एक्टर्स की बात करें तो स्टीफन लैंग जो कि द ब्लाइंड मैन के किरदार में, जेन लेवी रॉकी, डाइलन मैनेटी एलेक्स और डेनियल जोवेटो मनी के किरदार में नज़र आते हैं। रॉकी, एलेक्स और मनी तीन डेट्रॉयट टेक्लिनेंट हैं, यानी वो डेट्रॉयट एक शहर है जहां पर वो लोग रहते हैं, जो घरों में घुसकर कीमती सामान को चुराते हैं और उसे बेचते हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। असल में एलेक्स उन्हीं घरों पर चोरी करते हैं जिन घरों में एलेक्स के पिता की सिक्योरिटी कंपनी द्वारा सिक्योर किया जाता है, क्योंकि उसके पास उनके घरों की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। रॉकी की माँ जो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव थी, और उसकी माँ का जो बॉयफ्रेंड है वो भी बहुत शराबी है। उसकी एक छोटी बहन है डिडी, जिसके साथ वह कैलिफोर्निया जाना चाहती है और वह डेट्रॉयट को जल्द से जल्द छोड़ना भी चाहती है। आगे स्टोरी में हमें पता चलता है कि मनी जो भी सामान बेचता है उसे काफ़ी कम कीमत मिलती है, जबकि रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। आगे हम देखते हैं कि उन्हें एक बात पता चलती है जिससे वे अमीर होने का सपना देखने लगते हैं। मनी कहता है कि डेट्रॉयट के आउटसोर्स में एक रिटायर्ड वेटर रहता है जिसके घर में लगभग $3,000 हैं। ये पैसे उसे इसलिए मिले थे क्योंकि उसकी जवान बेटी को किसी सिंडी रॉबर्ट नाम की गर्ल ने कार के नीचे कुचल दिया था और वह वहीं मर गई थी। ये सब सुनकर एलेक्स इस चोरी को करने से मना कर देता है, पर रॉकी का मैसेज आने के बाद वह मान जाता है। रॉकी मैसेज में लिखती है कि वो ये सब अपनी छोटी बहन टीटी को कैलिफोर्निया ले जाने के लिए कर रही है। अगली सुबह वे तीनों लोग कार में बैठकर उस घर के सामने उसी ऑफिसर्स के घर की जासूसी करते हैं। यहाँ पर उन्हें ये भी पता चलता है कि रिटायर्ड जो वेटर कल वार का हिस्सा था, इस वार में कई बम धमाके हुए जिसमें एक बम धमाके में उसकी आंखें ख़राब हो गई। इसका मतलब ये कि जिस व्यक्ति के घर ये चोरी करने जा रहे थे वह एक बूढ़ा ब्लाइंड मैन है। अब आगे दिखाया जाता है कि तीनों चोरी करने के लिए उसके घर पहुँच जाते हैं और सबसे पहले वो एक उस कुत्ते को नशे के बिस्कुट खिलाकर सुला देते हैं, क्योंकि वो कुत्ता बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। इसके बाद वह घर में घुस जाते हैं और वहाँ पर लगे अलार्म को रिमोट से बंद कर देते हैं। मनी ब्लाइंड मैन के रूप में स्लीपिंग गैस छोड़ देता है। इसके बाद वे घर में पैसों की खोजबीन शुरू कर देते हैं। मनी को एक रूम दिखता है जिसमें एक बड़ा लॉक लगा होता है। वह कई बार उसे खोलने की कोशिश करता है। मनी अपने साथ गन लेकर आता है, जिसकी वजह से एलेक्स नाराज़ होता है और वहाँ से चला जाता है। मनी एक बोतल में बंदूक की नोक डालकर उसे तोड़ देता है। पिस्टल की आवाज़ से ब्लाइंड मैन उठ जाता है और वह वहाँ आ जाता है। ब्लाइंड मैन मनी से बंदूक छीनकर मनी को ही शूट कर देता है, पर यह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेबल था कि एक अंधा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। रॉकी इस बीच कुछ भी नहीं बोलती, वह बहुत ज़्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से वह क्लोज़ेट में छिप जाती है। रॉकी क्लोज़ेट में ब्लाइंड मैन को एक सेफ खोलते हुए देखती है जिसमें पैसे होते हैं। जब ब्लाइंड मैन वहाँ से चला जाता है तो रॉकी और एलेक्स उस सेफ को खोलते हैं और उन्हें उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो वहाँ से निकलने की वो लोग सोचते हैं, पर ब्लाइंड मैन को शक हो जाता है कि उसके घर में मनी के अलावा और भी लोग घुसे हैं, और वह फिर अपने पैसे चेक करता है पर पैसे वहाँ पर नहीं होते और वह बिल्कुल छल्ला जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स और रॉकी बेसमेंट से भागने का प्लान बनाते हैं, पर वहाँ से गुजरते हुए उन्हें एक वुमैन दिखती है जो ब्लाइंड मैन के द्वारा बंदी बनाई हुई होती है। जैसे ही वह वुमैन हिलती है तो एक छोटी सी घंटी बज जाती है जिसकी आवाज़ ब्लाइंड मैन को सुनाई दे जाती है। असल में वुमैन और कोई नहीं, सिंडी रॉबर्ट होती है, जिसने ब्लाइंड मैन की बेटी का एक्सीडेंट कर दिया था जिससे उसकी बेटी की मौत हो गई थी। रॉकी और एलेक्स उसे वहाँ से आज़ाद करके ले जा रहे होते हैं, पर ब्लाइंड मैन गोली चला देता है जिससे सिंडी की वहीं पर मौत हो जाती है। जब ब्लाइंड मैन को पता चलता है कि सिंडी मर चुकी है तो वह उसे पकड़कर बहुत रोता है। इसके बाद ब्लाइंड मैन उस घर में मेन लाइन बंद कर देता है, जिसकी वजह से बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। रॉकी और एलेक्स किसी तरह उस बेसमेंट से निकलते हैं, पर ब्लाइंड मैन का डॉग उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वह कमरे में घुस जाते हैं। एलेक्स वहाँ से एक शीशे पर गिरता है और वह बेहोश हो जाता है। रॉकी उस छोटी सी जगह से रेंगते हुए किसी तरह एक कचरे के ढेर में गिरती है। एलेक्स को जब होश आता है तो ब्लाइंड मैन अंधाधुंध गोली चलाता है जिससे कांच टूट जाता है और ब्लाइंड मैन की पकड़ में आ जाता है एलेक्स।
और हम देखते हैं कि वह कैंची जैसे हथियार से उसे मार देता है। इसके बाद रॉकी को भी पकड़ लिया जाता है और सिंडी की तरह बंदी बना लेता है। ब्लाइंड मैन कहता है कि वह सिंडी के से बचा जाता था पर वह तो रही नहीं, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश तुम पूरी करोगी। ब्लाइंड मैन कोई रेपिस्ट नहीं था पर वो अपनी बेटी की मौत के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट था और वह एक बेटी चाहता है, इसलिए सिंडी रॉबर्ट्स के पेट में उसका बच्चा पल रहा था। इसीलिए अब वो रॉकी से ये ख्वाहिश पूरी करवाना चाहता था क्योंकि सिंडी रॉबर्ट्स इन लोगों की वजह से मारी गई थी। वह अपना सीमेन रॉकी में इंजेक्ट करने ही वाला होता है पर एलेक्स उसे हथौड़े से घायल कर देता है और वो दोनों उसे लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं। एलेक्स जैसे ही गेट खोलता है ब्लाइंड मैन वहाँ पर आकर एलेक्स को गोली मार देता है। एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है पर रॉकी वहाँ से भागकर कार में बैठ जाती है पर ब्लाइंड मैन का कुत्ता बाहर से आकर उसे परेशान करता है और वह अपने आप को कार में लॉक कर लेती है। लेकिन कुत्ता टिक्की से अंदर आ जाता है और वह कुत्ते को अंदर लॉक करके बाहर निकल आती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है ब्लाइंड मैन वहाँ पर आकर उस पर हमला कर देता है और रॉकी को वापस उसके अपने घर में ले आता है। रॉकी वहाँ पहुँचकर जब होश में आती है तो उसे अलार्म रिमोट दिखता है जिससे वो सारे अलार्म को चालू कर देती है। अलार्म की आवाज़ सुनकर ब्लाइंड मैन चीखने लगता है। इधर रॉकी इसका फ़ायदा उठाकर ब्लाइंड मैन पर एक रॉड से उसके सिर पर कई बार करती है और उसे बेसमेंट में डाल देती है, जिसके बाद रॉकी पैसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। इन सब के बाद दिखाया जाता है कि रॉकी कैलिफोर्निया पहुँच गई है अपनी बहन डीडी के साथ। वहाँ पर वह टीवी में देखती है कि ब्लाइंड मैन के घर पर पुलिस पहुँच जाती है और एक रिपोर्टर बताती है कि ब्लाइंड मैन के घर पर दो चोर एलेक्स और मनी घुस आए थे, जिसका सामना बहादुरी के साथ ब्लाइंड मैन ने किया और सेल्फ डिफेंस में दोनों को मार दिया। ब्लाइंड मैन ने बयान दिया कि उसके घर पर कोई भी चोरी नहीं हुई है। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है पर पीछे सवाल छोड़ जाती है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, उसने रॉकी का नाम क्यों नहीं लिया। हो सकता इसलिए नाम नहीं बताया कि रॉकी फिर सिंडी रॉबर्ट्स के बारे में बताकर उसे किडनैपर साबित कर देती, पर होने को तो कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट तक को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।